हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉक पंचरुखी। तो यहाँ जो काउंसलिंग करवाई गई थी पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पदों को भरने के लिए, वो 23 और 24 जून को करवाई गई थी और इसके जो रिज़ल्ट हैं फाइनल सिलेक्शन के वो घोषित कर दिए गए हैं। दोस्तों, काउंसलिंग सब डिविजनल ऑफिसर सिविल पालमपुर के ऑफिस में हुई थी और परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। तो एज पर लिस्ट जितने भी कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है उन्हें चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ज्वाइनिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और कहाँ सबमिट करवाने हैं इसकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि सीरियल नंबर 1 में आपके पास है सुरेंद्र कुमार, नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस उनका है, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द स्कूल और रिजल्ट सिलेक्टेड, ये बताया गया है। तो आप भी अपना नाम, अपने स्कूल का नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पेज है उसमें टोटल 11 कैंडिडेट की लिस्ट बनाई गई है, यानी कि 11 कैंडिडेट के नाम भी यहाँ पर रखे गए हैं। और नेक्स्ट जो लिस्ट है, लिस्ट नंबर 2, उसमें सीरियल नंबर 12 से एंट्रीज की गई हैं। तो दोस्तों, जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि चैनल पर मल्टीटास्क वर्कर्स से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अपलोड की गई हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, वो सारी उन वीडियोस के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। इसलिए न्यू व्यूअर्स उन वीडियोस को जरूर देखें। तो सीरियल नंबर जो 26 है वहाँ तक जीपीएस हैं, यानी कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों के अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं। और उसके बाद सीरियल नंबर 27 से जीएमएस यानी कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है उनके नाम इस लिस्ट में मेंशन किए गए हैं, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो ये कुल 32 कैंडिडेट हैं जिनकी सिलेक्शन पंचरुखी ब्लॉक में की गई है एज पर टाइम मल्टीटास्क वर्कर। अब जो इनको अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर दिया गया है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। द कैंडिडेट सो अपॉइंटेड शैल हैव टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट विद SMC, यानी SMC के साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा जो भी एनेक्सर 1 है, और वो जो एग्रीमेंट होगा वो इनिशियली 1 साल के लिए होगा और फिर नेक्स्ट ईयर वो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें दिया है कि जो अमाउंट दिया जाएगा पर मंथ वो 5,625 रुपये फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है कि 1 महीने की कंटिन्यूस सर्विस के बाद एक कैजुअल लीव कैंडिडेट को मिलेगी, इसके अलावा कोई और लीव कैंडिडेट को नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट में मेंशन किया गया है कि अगर कैंडिडेट बिना परमिशन के 1 हफ्ते तक एब्सेंट रहता है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है और उस अवधि के दौरान उसे ऑनरेनियम नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट में मेंशन किया गया है कि पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होगा SMC का और उसे कोई अधिकार नहीं होगा रेगुलराइजेशन, एब्जॉर्प्शन या अपॉइंटमेंट एज रेगुलर क्लास 4 एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 7 में मेंशन की गई हैं ड्यूटीज़ ऑफ मल्टीटास्क वर्कर। और पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि जो मल्टीटास्क वर्कर है उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो मिलेगी SC ST या OBC कैंडिडेट्स को वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगी। पॉइंट नंबर 9 में मेंशन किया गया है कि SMC के द्वारा पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की ज्वाइनिंग से पहले ये इंश्योर किया जाए कि कोई स्कूल में इस भर्ती के ऊपर कोई कोर्ट स्टे तो नहीं लगा है। अगर स्टे किसी स्कूल में लगा हो तो ये जो ऑर्डर्स हैं ये इमीडिएटली बैक किए जाएं, रिटर्न कर दिए जाएं। पॉइंट नंबर 10 में मेंशन किया गया है कि जो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर का जो सैलरी है वो तभी निकाली जाए जब कंसर्न स्कूल की SMC हर महीने उस मल्टीटास्क वर्कर की अटेंडेंस, जो अटेंडेंस रिपोर्ट है, वो DDO को या कंट्रोलिंग ऑफिसर को सबमिट करवाए। पॉइंट नंबर 11 में मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स जिनकी सिलेक्शन 2 स्कूल में होती है, यानी कि उन्होंने प्राइमरी तथा मिडिल दोनों में अप्लाई किया था और दोनों में उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो उस कैंडिडेट को ज्वाइन करवाने से पहले
उनकी रिटर्न में बिलिंग लेना पड़ेगी कि वो इस स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं और दूसरे स्कूल में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, कि उसमें ज्वाइन करने के लिए इच्छुक नहीं है। और ये जो कार्य करना होगा वो विद इन 7 डेज के अंदर ही उन्हें बिलिंग देना पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए। एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय CMO या मेडिकल ऑफिसर, ओथ ऑफ एलिजियंस यानी कि अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करूंगा या करूंगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोई और रेलिवेंट सर्टिफिकेट हो तो वो भी अटैच किया जा सकता है। तो दोस्तों, किसी भी ब्लॉक में जब आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलते हैं तो आप बिना किसी देरी के तुरंत ज्वाइन करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं तो ज्वाइन करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जिन व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर देयर सपोर्ट, और चाहेंगे कि बाकी के व्यूअर्स भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माचल।